मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश की बात करें या भारत देश की बात करें, देश की एक महत्वपूर्ण जो समस्या है या फिर कह सकते हैं कि जो संभावनाएं कमतर अब आकी जाने लगी हैं, वो है युवाओं के रोजगार की बात। हमारे साथ युवा हैं, इनसे रोजगार के विषय में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अब रोजगार सृजन के बारे में सरकार जिम्मेदारी अपनी उठा रही है या फिर इस जिम्मेदारी को लेकर की वो चीजों को नजरअंदाज कर रही है। तो स्वागत करते हैं हम आप तीनों लोगों का द खबरदार न्यूज पर, और इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ रोजगार के विषय पर हम बात करते हैं आज से कुछ समय। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक फॉर्म भरा जाता है, दो साल बाद उसका पेपर होता है, फिर पेपर होने के बाद उसपे कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो विभाग तय करता है, और उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट पे जाता है। हाई कोर्ट पे इस तरीके से मतलब एक छोटी सी भर्ती जो होती है वो पंचवर्षीय योजना में तब्दील होती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सर, ये तो प्रॉब्लम सिर्फ हमारी स्टेट की ही नहीं है, एमपी की ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी प्रॉब्लम है। हमारे पास एग्जांपल बहुत अच्छा एनटीपीसी एग्जाम का है, जो रेलवे का एग्जाम है। 2019 में उसका फॉर्म भरवाया गया था और अभी 2021 हाफ कम्प्लीट हो चुका है और अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेज कम्प्लीट हुई है उसकी। तो वो लगभग मेरे को लग रहा है 3 या 4 साल कम्प्लीट होने में उसको लग जाएगा। तो सर, जहाँ तक यदि हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो सर यहाँ प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। सर, पिछले 3 साल से यहाँ वैकेंसीज नहीं आ रही है। स्पेशली आप यही टेक्निकल फील्ड की बात करें तो जो वैकेंसी आती थी 2017 में लास्ट टाइम आई थी, 2018 में एक वैकेंसी आई थी, उसके बाद से 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। और सर, वैकेंसी आती भी उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ जाती है कई बार यहाँ, स्पेशली जो हमारा जो एमपीईबी या फिर व्यापम है उसमें पेपर लीक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। करेंटली जो पिछले 3 एग्जाम हुए हैं सर, और तीनों एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि उसका पेपर पहले ही लीक हो गया। तो सर, बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। पिछली 17 अगस्त को यहाँ पे सर, 17-18 अगस्त को हमारे पूरे भोपाल के जितने भी लोग थे, पूरे अपने एमपी के सब भोपाल में इकट्ठा हुए, तो वहाँ पे सिंपली उन लोग बात करने गए थे लाल परेड ग्राउंड में, कि अपने गवर्नमेंट के से बात करने गए थे कि क्या वैकेंसीज का क्या हाल है और हम लोग क्या कहने क्यों नहीं आ रही हैं। सर, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। एक चीज और जानना चाहेंगे, युवाओं को देश का भविष्य बताया जाता है, जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, कहा जाता है कि हमारे देश की 65% आबादी युवा है और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या उस अपनी सबसे बड़ी ताकत का सरकार इस्तेमाल करती है या फिर चुनावी भाषणों तक वो सीमित हो चुकी है? अभी जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है, जिस हिसाब से कंडीशन है अभी तो सर सिर्फ उन लोग का चुनावी भाषण ही समझ में आ रहे हैं, क्योंकि सर कोई भी पॉजिटिव उनका इंटेंट नहीं दिख रहा है हम लोगों के लिए, स्पेशली मध्य प्रदेश में बात की जाए तो। और जैसा आप कह रहे हैं सर, यदि इसे अगले इलेक्शन होने हैं तो डेफिनेटली 1 साल पहले फिर वो वैकेंसी रिलीज करेंगे, पर अभी तो सर उनका कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं लग रहा, सिर्फ वो हमें यूज कर रहे हैं। चुनाव से पहले एक वैकेंसी आई थी संविदा वर्ग 2 और संविदा वर्ग 3 के लिए, उसके पेपर भी हुए थे लेकिन अब तक भर्तियां नहीं हुई हैं, तो उसमें कब तक रिजल्ट्स आने की संभावना है या फिर क्या लगता है कि वो भर्तियां होंगी भी या नहीं होंगी? सर, मैंने संविदा का तो नहीं बना, लेकिन सारे एग्जाम के साथ एक ही चीज चल रही है कि मतलब एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसे क्या हुआ था, मार्च 2019 में रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद इस समय पे आज देख लीजिए मार्च 2019 के बाद आज कौन सी डेट है, ये 2021 का चल रहा है सितंबर स्टार्ट होने वाला, मतलब ऑलरेडी 2 साल 7-8 महीने समथिंग हो गए, अभी इसका प्रीलिम्स नहीं हुआ। अगर इसका मेंस हो भी जाता तो होने के बाद कम से कम 1-1.5 साल तक प्रोसीजर इसकी कंप्लीट होती भर्ती की, मतलब वो अगर 35,000 पोस्ट है तो कंप्लीट होते होते मुझे कितना साल लग जाएगा, 2 साल, तो मतलब ऑलरेडी एग्जाम आपका 2.5 साल लेट हो चुका है। अगर ये प्रोसीजर अभी मेंस होना बाकी है, अब वो मेंस भी कब होगा ये डिसाइड नहीं है, तो मतलब वो पूरा 5 साल कंप्लीट कर लिया। अब अगर अपन स्टेट में आ जाए, तो अगर हम स्टेट में आएंगे तो अभी मार्च के समय पे, फरवरी मार्च के समय पे हमारा कॉन्स्टेबल का फॉर्म भरा गया था। अब यहाँ पे तो अब लॉकडाउन नॉर्मल है, इतना मतलब इतने ज्यादा, जैसे रेलवे में 1 करोड़ के ऊपर प्लस में फॉर्म भरे गए थे, यहाँ इतने फॉर्म नहीं भरे गए, तो ये एग्जाम तो कंडक्ट हो सकता है। इन्हें पता है कि थर्ड वेव आने वाली है, उसके बावजूद आप एग्जाम नहीं करा रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब आप थर्ड वेव का इंतजार कर रहे हैं क्या कि फिर एक बहाना और मिल जाए? मतलब आपसे पोस्ट दिखाने के लिए कर रहे हैं और उस पे आप फॉर्म का पैसा ले ले रहे हैं क्या? आप उसको शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, सब आप आमदनी अपनी बढ़ा रहे हैं क्या? आप क्या चाह रहे हैं? और उसमें एक मैटर और है, मान लो कि जो फॉर्म भर रहे हैं
उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 30+ के हो चुके हैं। अगर वो ऐसे 2 साल इंतजार करेंगे तो उनके साथ क्या होगा? क्योंकि जो व्यक्ति 20 से 25 के बीच का है वो वेट कर सकता है, लेकिन 30+ वाला कब तक वेट करेगा? ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर दो चीजें आपने कही जो पूछने लायक है और जिन पर सवाल करना एक जरूरी हो जाता है। पहली चीज तो 30 साल का कोई व्यक्ति है, 2 साल तक वैकेंसी नहीं आती है, ओवर एज हो जाएगा, उसके बाद उसका पूरा का पूरा करियर समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से आर्मी के कुछ बच्चों से हमने बात की थी, पिछले 2 वर्षों से आर्मी की कोई भी भर्ती मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हुई है और 21 साल 22 साल 23 साल ऐसी चीजें होती हैं। बंदा जो है तो 18 साल से तैयारी करने लगता है कि मुझे आर्मी में जाना है, या फिर किसी भी हम तैयारी की बात करते हैं, पूरे प्रिपरेशन करता है, उसके बाद जब ओवर एज हो जाता है उसके बाद सरकार क्या करती है कुछ समझ में नहीं आता। क्या ऐसे लोगों के लिए सरकार किसी भी प्रकार का भत्ता किया जाना चाहिए, क्या लगता है आप? मेरे विचार में तो सबसे पहले सरकार के मैनिफेस्टो, जो मैनिफेस्टो को लेके आती है सरकार पंचवर्षीय योजना को, अपने बताते कि हम इस साल अगले आने वाले 5 सालों में सरकार यदि आप हमारा समर्थन करते हैं तो हम ये काम करते हैं। तो हमें कुछ ऐसे मुद्दे लाने चाहिए या संविधान में ऐसा बिल पारित करना चाहिए कि यदि सरकार अपने मैनिफेस्टो में 100% नहीं उतरती तो वो सरकार की भागीदारी रद्द ही कर दी जाए, चाहे वो बीजेपी सरकार क्यों ना, चाहे कांग्रेस सरकार क्यों ना हो। और उसके बाद मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं डिजिटल इंडिया। भाई आप NTPC का एग्जाम एक TCS जैसी संस्था से करा रहे हैं जो कि एक डिजिटली परफॉर्म हो रहा है, और डिजिटल होने का क्या मतलब कि हमारा रिजल्ट हम पेपर दे रहे हैं, 1.5 साल बाद हमें रिजल्ट मिल रहा है, उसके बाद आप मेंस ले रहे हैं, फिर उसके बाद अगली प्रक्रिया कर रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। ये सब चीजों में मुझे ये समझ में नहीं आता, एक मुंह से बड़ बोले हैं, मुंह चलाना इनका काम है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, कोई किसी के हित के लिए नहीं सोच रहा हो, कोई भविष्य के लिए नहीं सोच रहा। जो हमारे वयस्क भाई हैं, हमारे युवा भाई हैं, उनकी जो देश में भागीदारी उसके हिस्सेदारी को वो कम करना चाह रहे हैं ताकि आने वाले हम अगेन अंग्रेजों के जैसे गुलाम थे, हम इनके उद्योगपतियों के फिर से गुलाम हो जाएं और पूरी संपत्ति एक तरफ खसक के चली जाए। और एक चीज और जानना चाहेंगे, जो पिछली कांग्रेस की UPA सरकार थी और वर्तमान में NDA सरकार है, तो UPA सरकार और NDA सरकार में जो रोजगार सृजन के लिए जो फॉर्म भरे जाते थे तो जो उनकी भर्तियां होती थी उनकी प्रक्रिया और इनकी प्रक्रिया में कितना अंतर है? देखिए, इससे पहले 10-15 साल पहले UPA सरकार थी, देखा जाए तो उनके तरफ ऑफलाइन प्रक्रिया थी, लेकिन वो मेरे जो सीनियर्स हैं जो 10-15 साल पहले के हैं उनका कहना था कि उस समय क्या बोलते हैं जॉब्स की भरमार थी और जो प्रक्रिया थी वो सही तरीके से फॉलो की जाती, मतलब 1-2 साल में एक जॉब हो जाता था, एनीहाउ हो जाता था। अब क्या है, आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म भी ला दिया, कंप्यूटर में एग्जाम करा रहे, CBT टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रहे हैं और उसके साथ साथ आप समय पे रिजल्ट भी नहीं दे रहे, तो एक प्रकार से आप हमारे साथ मजाक ही कर रहे हैं। अगली बार आप सोचेंगे और जनता जरूर सोचेगी और युवा जरूर जवाब देगा इस चीज का। और एक चीज आपने अभी कही, शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात, 5,000 भर्तियां होती हैं और 5,000 भर्तियों के लिए लगभग 15 लाख फॉर्म्स आते हैं। पहले जैसे ग्रुप डी की हम बात करते हैं, पहले वो 40-50 रुपए का फॉर्म होता था, लेकिन इस बार 500 रुपए का फॉर्म हुआ। बताया गया कि जो एग्जाम देगा उनके रिफंड होंगे और जो एग्जाम नहीं देगा उनके रिफंड नहीं होंगे। तो ये जो राशि होती है तो इतनी बड़ी राशि होती है कि शायद अगर बैंक्स में रखा जाए उसका इंटरेस्ट हो तो सारे के सारे 5,000 जो एम्प्लॉय है उनकी जीवन भर की सैलरी प्लस जो पेंशन है सारी चीजें की जा सकती है सिर्फ उसके पैसे से बनने वाली ब्याज के। क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं जो युवाओं के द्वारा ये जो पैसा लिया जाता है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, आप पैसा लीजिए, हमें किसी प्रकार से बुराई नहीं, आप हमसे एग्जाम ले रहे हैं और हमारे भविष्य की नीतियों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन आप पैसा ले रहे हैं तो सर्वप्रथम आपका एक कर्तव्य बनता, आपका दायित्व बनता कि आप देश के बच्चों से पैसा ले रहे हैं और उनके यदि आप पेपर सही टाइम पे कंडक्ट नहीं करा पा रहे, उनको जॉब वैकेंसी नहीं दे पा रहे, तो ये बिल्कुल आप कदाचित गलत ही काम कर रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है पैसे से, आप 500 का फॉर्म करें, आप 1,000 का फॉर्म कर दीजिए, इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप प्रक्रिया को जरूर सुधारिए, यही हमारा रिजल्ट जरूर दें और जॉब वैकेंसी दें। और ये बेफालतू का मुद्दा ना बनाएं कि हाईकोर्ट में OBC का मुद्दा लटक गया है, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। MPPSC स्टेट सर्विस जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके साथ OBC का एक मुद्दा फंसा रहता है, कोई कोई 27% आरक्षण की बात करता, आपका मतलब न्यायिक सिस्टम भी आपका ठोस नहीं है, ना ही आपका किसी प्रकार की चीजों का मतलब बोला जाए तो बैलेंस कुछ चीज नहीं है, और कुशल नेतृत्व की कमी, मैं शुरू से ही कहकर जा रहा हूँ, और मध्य प्रदेश में कुशल नेतृत्व की कमी है और इस चीज में यदि सरकार ध्यान देती है तो जरूर आने वाले समय में मध्य प्रदेश की तस्वीर जरूर बदलेगी। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ, नमस्कार, धन्यवाद।